समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, तू समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, हम तो वो हैं तेरे चेहरे से दिखाई देंगे। हमको महसूस किया जाए खुशबू की तरह, हम कोई शोर नहीं हैं जो सुनाई देंगे। फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ, आप क्या खाक अदालत में गवाही देंगे। पिछली सफ में ही सही है तो इसी महफिल में, पिछली सफ में ही सही है तो इसी महफिल में, आप देखेंगे तो हम क्यों ना दिखाई देंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। जी व्यूअर्स, जब देखा जाए कि इंसान उम्र के उस दिहाने में आ चुका है जहाँ उसको अब जिक्र खुदा करना चाहिए और अपने आखरत की सोच रखनी चाहिए, अपने कब्र का सोचना चाहिए, अपने अमालों का सोचना चाहिए, अपनी जो ज़िंदगी गुजारी है उसने दुनिया के अंदर उसमें क्या कमियां थी, क्या कोताहियां थी, किसकी हक तलफी की है। क्योंकि हर इंसान को देखें मौत तो बरह के आनी है ना, मगर जब ये जब एज का तकाजा होता है ना, इसमें सोच फिक्र और इंसान की काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो कहता है यार अब मैं संभल के चलूँ क्योंकि मैं ज़िंदगी की उस स्टेज पर हूँ जहाँ पर कोशिश ये की जाए किसी की दिलाजारी ना की जाए, किसी को बुरा भला ना बोला जाए और ख़ास तौर पे अपने जो रिश्ते हैं उनकी पहचान रखनी चाहिए और खौफ खुदा रखना चाहिए और बाकी जो इंसान के पास खुदा की दी हुई ज़िंदगी है उसका शुक्र अदा करना चाहिए। तो लास्ट जब ये देखा जा रहा है, मैं थोड़ा सा पीछे चला जाऊंगा यहाँ पे, जब हाजी साहब सऊदीया से यहाँ आए तो उनको बहुत अच्छा वेलकम दिया गया सितारा की तरफ से, अपने घर में रखा गया, बहुत सारी चीज़ें उनको वहाँ पर अच्छी फैसिलिटीज़ दी गईं, बहुत अच्छा खाना पीना दिया गया, अच्छी लाइफ दी गई और उनका अच्छा वेलकम भी किया गया, सब कुछ आपने देखा होगा। क्योंकि उसके बावजूद जो आप ये रिसेंटली वाकयात देख रहे हैं जो सगी बेटी के साथ और इसके अलावा दूसरे लोगों के साथ जो उलझना है, खामखा का ट्रोल करना है, बेटों के साथ भी, दूसरे मामलात के साथ भी, तो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि इसको अच्छे साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, इसका दिमागी तवाजुन थोड़ा सा सही नहीं लग रहा मुझे जहाँ तक। ठीक है, ये एग्रेसिव भी हैं और ये हसद के भी शिकार हैं, इसमें बहुत सारी बीमारियाँ आ चुकी हैं। अभी सिर्फ खाली इनकी आंख का ऑपरेशन हुआ था, बाकी सारी चीज़ों का इन्होंने नहीं करवाया। और दूसरी बात ये है कि खाने पीने के लिए दांत वगैरह लगवा दिए इन्होंने, वो भी किसी काम के नहीं है। असल इनके दिमाग में जो मसला है वो सही करवाना है, वो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना है। तो आज इस पर बात करेंगे कि वो क्यों इस तरह बेटी को, दूसरे लोगों को, वकार की अम्मी को और अपनी नवासी की शादी हो रही है उसका घर ख़राब करने के लिए हरकतें क्यों कर रहा है, क्या मामलात हैं, दिमागी तवाज़ुन उसका भटक गया है, किसी के कहने में आ गया है या जानबूझ के बुढ़ापे में सटिया गया है, क्या मामला आते हैं, इन चीज़ों पे आज आपसे खुल के बात करनी है। उसके साथ साथ दो तीन चीज़ें और भी इसमें हम शामिल करेंगे, जैसे शहबाज का स्टेटमेंट है, शहबाज के ऊपर काफ़ी सारे एलिगेशंस लगा रहे थे लोग, काफ़ी सारी बातें कर रहे थे लोग कि ये इन्वॉल्वमेंट है, ये सारी चीज़ें इनको बना के देते हैं, वीडियोज़ वगैरह और थंबनेल वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद डीडी के ऊपर भी बातें आई कि डीडी भी इनको जो है कान भरता है, फिर रुबीना के ऊपर बातें आई कि नहीं रुबीना भी इसको जो है कान भरती है। तो ये सारी चीज़ें इनके साथ जो रिश्ते मुंसलिक हैं, जो जो इनके साथ हैं सारी चीज़ें, ये सब आज आपसे डिस्कस करना है स्टेप बाय स्टेप, सारी खुल के आपसे बात करनी है कि जब इसको इतनी इज्जत देने के बावजूद भी, इसको इतना दर्जा देने के बावजूद भी इंसान को वो चीज़ें समझ में ना आए तो उनके साथ क्या किया जाए। और फाइनली एक ताहिरा सिस्टर ने भी आज अपनी कम्युनिटी अपडेट की है अपने चैनल पे, वो भी तीन लोगों का उन्होंने इशारा दे दिया है जिनके खिलाफ नोटिस जारी हो चुके हैं और वो कौन लोग हैं। साथ ही साथ उन्होंने लास्ट में ये भी लिखा है अपनी कम्युनिटी में कि बाबा जी भी इस उम्र में जेल जाना चाह रहे हैं। तो खैर काफ़ी सारे लोग एग्रेसिव हैं कल की इनकी हरकत की वजह से और काफ़ी सारे लोग ऐसे सोच विचार में कि यार इससे इस तरह की चीज़ सोची नहीं जा सकती थी कि ये चलो ठीक है चैनल का भूखा है, चैनल के लिए सब कुछ करता है, मगर इस तरह की कभी सोचा नहीं था लोगों ने कि ये अपनी बेटी के लिए या जिस नवासी जहाँ पे जा रही है शादी होकर उसकी, उनके ससुराल वालों के लिए, लड़के की अम्मी के लिए, लड़के के लिए इस तरह की वो नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करेगा, इस तरह की गिरी हुई हरकत करेगा, बहुत ही ज़्यादा घटिया बातें करेगा। ये एक तवक्को भी नहीं की जा रही थी कि इस तरह का बंदा इस तरह की हरकत कर सकता है और इतना गिर सकता है। तो आज इस पे थोड़ी सी आपसे तफसील से बात करनी है, ये तो चले एक सरसरी बात थी,
डिटेल से बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जो भी पॉइंट्स है वो सब मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो नए देखने वाले हैं, स्पेशली जो आज हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उन सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर कर दीजिएगा। अच्छा जी, बात शुरू होने से पहले मैं अपनी लास्ट वीडियो पे जाऊंगा, उस पर आप जितनी भी मेरी बहनें हैं काबिल एहतराम जो मुझे डेली बेसिस पे वीडियोस में देखती हैं, तो उन्होंने मुझे कुछ कमेंट्स किए थे कि कदीर भाई आप या तो इनकी सपोर्ट में बात कर रहे हैं या फिर आपने जो है इनकी वीडियो देखी नहीं जो इन्होंने वकार के अम्मी के लिए और वकार के लिए इन्होंने बातें की थी, बहुत नाजेबा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगा, प्लीज़ थोड़ी सी तवज्जो से बात सुनिएगा कि देखें जब हम वीडियो अपलोड करते हैं ना, आप लोगों के लिए जब वीडियो बनाते हैं रिएक्शन की, तो उसके बनाने के बाद उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसकी एडिटिंग होती है, उसके बाद उसका थंबनेल होता है, फिर आप तक वो चीज़ पहुंचती है। वो जब चीज़ आप तक पहुंचती है तो इस बीच में दूसरी वीडियो किसी की आ जाती है, जैसे हाजी गुलाम की आ गई या नजमा की आ गई या सितारा का व्लॉग आ गया, तो हम उस पर बाद में बात करेंगे। अब जाहिर है जो हमने पॉइंट्स उठाए थे वो पिछली वीडियो के उठाए थे, तो लोग ये समझते हैं कि यार जो पहले देखें जो हाजी की जो पहली वीडियो थी ना उसमें यही समझ में आ रहा था कि अरे सब इसको छोड़ के चले गए, अकेला घर पे बेचारा अकेला हो गया, रुबीना के आश्रय पे छोड़ के चले गए, तो जो हम पॉइंट्स उठाएंगे उस वीडियो में से वही बात करेंगे। अब मैं उस वीडियो को जब अपलोड कर चुका तो मैं उसमें आके कैसे ही एक बात बोलूंगी यार इसने तो वकार की अम्मी के लिए भी बहुत गलत बात बोल दी, वो भी अब जब ये वीडियो आप तक पहुंचेगी तो जो पिछली वीडियो आई है उसके पॉइंट सारे इसमें आपको मिल जाएंगे। तो ये थोड़ा सा ख्याल कीजिए करें। उसमें ये आ रहा था मेरी बहनों के कमेंट्स के आपने तो देखा ही नहीं है, उसने वकार के भाई अभी देखे, मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं अपना वो किस जाहिर सी बात है जो मुझे चीज़ें मिलेंगी तो मैं वही आप तक पहुँचाऊँगा ना। अब मुझे तो नहीं पता कि जो इसकी आने वाली वीडियो है इसमें इतनी वायदगी वाली बातें करेगा, इतनी अखलाकियात से गिरी हुई बातें करेगा, किसी रिश्ते को नहीं पहचानेगा, ये मुझे नहीं था पता। ये अभी जब इसने वकार की अम्मी के लिए जो वीडियो बनाई, अब वो आपने देखा होगा कि प्रेशर में आके वो वीडियो भी इसने ऐड कर दिए अपने चैनल से। आप जैसी जो मतलब बाशऊर हमारी बहनें हैं, देखने वाले व्यूवर्स हैं, उन सब ने इसको इतना प्रेशराइज किया, इतना क्रिटिसाइज किया कि इसने वो वीडियो भी हाइड कर दी। तो जाहिर सी बात है जब तक हम पॉइंट्स उठाते हैं हर वीडियो के और आप तक पहुंचाते हैं, तो जाहिर है जो पहली वाली वीडियो होगी आप उसको देखते हुए एग्रेसिव ना हुआ करें, उसको देखते हुए कमेंट्स ना किया करें। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई अभी जो नेक्स्ट वीडियो डालेगा उसमें जाहिर है जो इसने कमियां की हैं, जो इसने कोताहियां की हैं, जहां जहां इसने गलत बोला है, तो ये भाई हमारा, हम इसको डेली बेसिस पे देखते हैं, ये उसमें पॉइंट्स जरूर शेयर करेगा। तो ये गुजारिश आप लोगों से यही करना चाह रहा था कि देखें जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें जाहिर है आपको चेंजिंग्स भी मिलेंगी, जो जिसने जिस तरीके की बात की होगी वही आपको सुनने को भी मिलेगी। मगर जब एक चीज़ हम अपलोड कर देते हैं फिर हम उसमें बीच में आके, आपको पता है एक चीज़ चली गई अपलोड होके वाईटी पे आ गई, हमारा व्लॉग आ गया, तो उसमें हम कैसे चेंजिंग दें, उसमें हम कैसे फिर अपने दोबारा पॉइंट्स को लगाएं। जाहिर है जब नई वीडियो बनेगी तो उसमें सारे पॉइंट्स उठेंगे। तो ये थोड़ी सी चीज़ थी जो मैं अपने व्यूअर्स को, अपने देखने वालों को समझाना चाह रहा था कि ऐसी बात नहीं होती है, जो भी चीज़ें होती हैं हम कोशिश करते हैं कि जो जो पॉइंट्स होते हैं वो आप तक पहुंचाए जाएं, वही चीज़ें आप जो समझते हैं जो देखते हैं आप तक वही चीज़ें रखी जाएं, ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ों के बारे में पता चले। एक छोटा सा पॉइंट था जो आपके साथ डिस्कस करना था। उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट वीडियोस में जो है आप इस तरह की चीज़ें जहन में रखेंगे थोड़ी सी कि भाई जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी भाई उसमें जाहिर है वो चीज़ें लाजमी शेयर करेंगे। जी व्यूअर्स, आते हैं अपने टॉपिक्स के ऊपर और बात करेंगे हाजी साहब पे। हाजी साहब क्या बोलें यार, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाजी लगाना अच्छी बात है, अब आप मुझे बताएं, जो इंसान बेटी की तजलील करे, जो इंसान बहू की तजलील करे, जो इंसान बीवी की तजलील करे, जो इंसान अब अपने सिर्फ चैनल के मफाद के लिए हर एक को जलील करे, उसको क्या हाजी बोले हम? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इसको हाजी बोले, मगर हम इतना आदि हो चुके हैं बड़े बुजुर्ग एज का तकाजा समझ के हम इनको हाजी बोलते हैं। मेरी मुलाकातें हैं इनसे एक दो दफ़ा की, इतफाक़ की बात है, जब सितारा कराची में थी तो इनके घर पे मेरी एक दो दफ़ा इनसे मुलाकातें थी और काफ़ी देर तक बैठा था, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर किया था जो सऊदीया में रहे हैं, और आज सारी चीज़ें अपनी बताते थे कि मैंने इतना काम किया, इस तरह गाड़ी चला रहा था, ये करता था वो करता था, तो ये बातें मुझे उन्होंने काफ़ी अपने बारे में बताई थी। मैंने कहा चलें ठीक है यार, एक एजड इंसान है और इन्होंने एक स्ट्रगल किए, अपने बच्चों को एक फ्यूचर दिया है जो भी बाहर बैठे हुए काम कर रहे हैं, मुझे नहीं था पता कि ये अंदर से खुद भी कोई इस तरह के आगे जाके चीज़ रखने वाले हैं कि मैं भी चैनल ओपन करूंगा और मैं भी इस तरह की तबाही मचाऊंगा, पूरे ख़ानदान को चैनल की खातिर तबाह बर्बाद कर दूंगा। तो ये चीज़ें मेरी जहन में यकीन करें उस टाइम पे नहीं थी कि ये इस तरह का माइंड बना के आया है कि इसका आगे जाके जो प्लान है वो चैनल ओपन करने का है।
खैर जी, इसका एक चैनल बना, वो आप सबको पता होगा, वो उड़ गया। वो भी इल्ज़ाम इसने वकार पे लगा दिया कि भाई वकार ने मेरा वो चैनल उड़ाया है। अल्लाह जाने जो भी मामलात हैं, हम उसमें अभी क्या जाएं। अब जो असल पॉइंट से हम उस पर आते हैं, इसने बेटी की जो तजलील की सो की, ठीक है। इसकी नवासी जहाँ पे रुख्सत होके जाने वाली है जिस घर में, उस घर में उसकी सांस के लिए, वकार की अम्मी के लिए और वकार के लिए इतनी गंदी जबान, इतने अखलाकियात से गिरे हुए अल्फाज, मैं कहता हूँ इस उम्र में डूब के मर जाना चाहिए अगर बंदा इस तरह की जबान इस्तेमाल करे। और मजीद फिर ये भी बोले कि मैं मजीद और बातें खोलूंगा तो अपनी गिरेबान में झांके, और मैं कहता हूँ जमीन खोले बंदा उसमें धस जाए अगर इस तरह की बातें करता है तो। मतलब ये ऐसे सीरियस इल्ज़ामात हैं कि इसमें खानदानों के खानदानों में झगड़े हो जाएं। और खुशियों के मौके पे बाज़ मरतबा हमने ऐसी चीज़ें देखी हैं कि वहाँ खून खराबे हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। खुदा के बंदे, ये तो चलो एक अच्छी फैमिली है, मैं इन लोगों से भी मिल चुका हूँ, वकार की फैमिली से, वकार से। मैं जैसे बता रहा हूँ कि मैं इनकी फैमिली में आता जाता रहता था। एजुकेटेड लोग हैं, वकार की अम्मी जॉब करती हैं, उनके वकार खुद अच्छी जगह पर जॉब करते हैं, पूरी मतलब अच्छी फैमिली, एजुकेटेड फैमिली है। उसमें भी आपने इस तरह की चीज़ें निकाली हैं, उसमें भी आपने बुराइयाँ निकाली हैं। हर इंसान को आप बुरा समझते हैं सिवाय अपनी ज़ात के। आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? आप परफेक्ट हैं? 100 में से 100% हैं? आप में भी कोताहियाँ होंगी, आप में भी कमियाँ होंगी कि आप दूसरों को इस तरह बोल रहे हैं। सगी बेटी पे आपने तोहमतें लगा दी। यार हम देखें, हम आज बात ये मानेंगे कि हमने नजमा को कितना क्रिटिसाइज़ किया, व्यूअर्स आप लोगों ने भी किया, हम लोगों ने भी किया, नजमा को कितना बुरा भला बोला कि यार ये वालिद का ख्याल नहीं करती है, टाइम पे खाना नहीं देती है। ठीक है, वो सही थी, वो सही कर रही थी। उसके साथ ये बैक स्टेज में जिस तरीके से गाली गलौज करता था, जिस तरीके का बिहेवियर करता था, ये हमें पता ही नहीं था। यहाँ पे हम गलत हैं। सबसे पहले मैं अपने ऊपर बोलूंगा कि मैं गलत हूँ, हमने ये चीज़ें देखी ही नहीं कि यार बैक स्टेज पे इसकी जो अपनी बीवी है, जो जजक एक चीज़ बोल दी सितारा की अम्मी ने कि भाई ये गालियाँ भी बोलता है, ये गुस्सा भी करता है, ये चीखता भी है, चिल्लाता भी है, तो ये वहां पे बौखला गया था। खुद इनकी वाइफ ने ये बातें सारी बोली हैं। अपनी वाइफ के साथ ये कर रहा है तो अपनी औलाद के साथ कैसे नहीं करता होगा? और सही करते हैं तुम्हारे वो बेटे, भले दोनों एक नंबर के जो है ना शैतान है, मगर तुम्हारे साथ सही करते हैं वो। तो खुदा का खौफ करो भाई, अब तुम्हें इस उम्र में आके इतनी चैनल की हवस पड़ गई है, इतनी लालच पड़ गई है कि तुमने दूसरा चैनल बना दिया, तुमसे सांस नहीं ली जा रही है, मोबाइल पकड़ के पूरा दिन बैठे हुए हो, रिश्तों में आग लगा रहे हो, उन हसासियत समझते ही नहीं हो रिश्तों की यार, जहाँ तुम्हारी नवासी जिस घर में ज़िंदगी गुजारने के लिए जा रही है। खुदा ना खास्ता उसकी आने वाली ज़िंदगी में कोई तुम्हारे बयान की वजह से बोछाल मच जाए, कोई आपस में वहाँ पर एक दूसरे के गिरेबान पकड़ लिए जाएँ, खून खराबा हो, तो फिर तुम क्या करोगे? तुम तो बैठ जाओगे लाठी पकड़ के कि भाई मैं तो एजिड हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, लड़ो आपने, मुझे चिंगारी मारनी थी, मैंने मार दी चिंगारी। खुदा के खौफ से डरो भाई, अल्लाह अल्लाह करो। ये उम्र में लोग अपने गुनाह बख्शवाते हैं, तुम बातें करते हो मदीने की, मक्के की, कि मुझे वो मटी नसीब हो। अखलाकियात भी वैसी रखो, सोच भी वैसी रखो, अच्छी सोच रखो तो वो चीज़ें मिलेंगी, ऐसे तो नहीं मिलेंगी। इस तरह तो तुम जलील व ख्वार होते जाओगे। अब तुम सिर्फ एक ही अल्फाज रखे हो, हेटर ने ऐसा बोल दिया। हेटर भाई, हेटर है क्या तुम्हें? आज तक किसी को पता है? तुम सपोर्टर को भी हेटर बोल देते हो, बस तुमने एक ही अल्फाज इंग्लिश का सीखा है, हेटर हेटर हेटर, हर वक्त मोबाइल में हेटर हेटर बोलते रहते हो। ये हेटर नहीं, किसी दिन हंटर पकड़ के मारेंगे तुम्हें लोग। ये मुझे तो यही खौफ आ रहा है, अब तुम्हें बाहर निकलते हुए भी कोई पत्थर वत्थर ना मार दे। तुम कभी किसी के ऊपर बात कर देते हो, कभी किसी के ऊपर बात कर देते हो, अब इन मामलात के बाद किससे नज़र मिलाओगे? क्या सितारा अब तुम्हें अपने घर में रखेगी? वो तुम्हें अपने बाप की तरह, सगे बाप की तरह इज्जत करती थी तुम्हारी, कभी ये नहीं समझा था कि ये मेरे चचा हैं या मेरी अम्मी के हस्बैंड है, तो मेरे सोतेले वालिद हैं। उन्होंने हमेशा सगे बाप की तरह तुम्हारी इज्जत की, अपने घर में रखा। अब सितारा भी सोचेगी कि यार मेरी बेटियाँ हैं छोटी, मैं इसको कैसे अपने घर में रखूँ? जो अपनी बेटियों की इज्जत नहीं करता मेरी बेटियों की, और मेरी कहाँ से इज्जत करेगा? ये तो तुमने अपने पाँव पे कुल्हाड़ियाँ मार दी आज। बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी ये चीज़ें देख के, और मुझे नहीं समझ में आती चीज़ें कि इतनी सारी चीज़ें हैं तुम्हारे लिए, जिस तरीके से लोग बातें कर रहे हैं, इतनी रिएक्शन वीडियोस में बातें सामने आ रही हैं। बात करेंगे तो भी बस एक घंटे से ऊपर की बात हो जाएगी। उसके साथ जी मैंने नजमा का ब्लॉग देखा, साजिद भाई उसमें ब्लॉग में थे, उसने कहा कि देखिए हम इसको बनाने के लिए गए थे, और हमने खुद भी देखा था, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताई कि ये मिन्नतें करते रहे। इसने बोला मैंने परफ्यूम लगाया हुआ है, मुझे खांसी हो रही है, ये मामला थे, मैं चल नहीं सकता। और भाई तुम्हें जब इज्जत दे रहे हैं तो इज्जत लो, चलो जाके बैठो वहां पे, मरो, बनाओ व्लॉग व्लॉग जो तुम्हें करना है वो करो। ये क्या बात हो गई कि ना खुश रहूंगा ना खुश होने दूंगा?
ये एक तुमने नई पॉलिसी बना के रखी हुई है, ना खुश हूंगा ना खुश रहने दूंगा तुम लोगों को। भाई कम से कम उनके बच्ची की पहली खुशी है, सही बात है, उनको वो खुशी तो मनाने दो, उनके भी अरमान है माँ बाप है। तुम ये किस तरह की यार हरकतें कर रहे हो खुदा के बंदे। बहरहाल जी बहुत अफसोस हुआ इसकी इन चीज़ों से, और उन्होंने सही कहा, एक जुमला बोला था साजिद भाई को नजमा ने कि देखिए मौसम बहुत ज़्यादा यहाँ ठंडा है, इस ठंडे मौसम में लोग गर्म हो गए हैं, उनका दिमाग पे बहुत गर्मी हो गई है। तो लग यही रहा है कि हाजी के दिमाग पे बहुत गर्मी लग गई है और ये उसी वजह से ज़्यादा ये हरकतें करने लगे हैं। अब इसको सब छोड़ के चले गए हैं, अकेला पागलों की तरह घर में घूम रहा है, कुत्ते की वीडियो बना रहा है, बिल्ली की बना रहा है, दूध वाले की बना रहा है, बैल बकरियों की बना रहा है बैठा हुआ, तो इसका काम ही यही है। लोगों की समझ में नहीं आती कि यार इतनी हवस चैनल के लिए, अल्लाह माफ करे। खैर जी उन्होंने अपना मौकिफ दिया कि हमारे बड़े हैं फिर भी हम इज्जत करते हैं, और बुढ़ापा है उनका दिमाग इस तरह से फिर गया है तो हम कुछ नहीं कर सकते। साजिद भाई ने भी अपना मौकिफ दिया कि हमने बहुत समझाने की कोशिश की मगर वो बात को नहीं समझे, और आगे भी यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इनको थोड़ी सी अकल दे, शऊर दे, और अब भी नहीं देता तो भाई अब यही हाल है कि इसको ज़बरदस्ती जहाज में बैठा के भेज दो अपने बेटों के पास, अब जाके उनके मथे लगे। और यहाँ पे बात करूँगा भाई मैं शहबाज की, शहबाज की मैंने वीडियो देखी, उसने बेटियों की कस्में खाई, उसने कहा कि भाई देखें मेरी आगे मेरी बेटियाँ हैं, मैं ऐसा काम कोई भी नहीं करूँगा जिसका रिजल्ट मुझे पता है कि इसका बुढ़ापा है कहीं ना कहीं निकले और मेरा नाम आए, तो मैं कैसे फिर लोगों से फेस करूँगा, मैं कैसे आके मिलाऊँगा। तो मैंने इसको कोई ऐसी वीडियो नहीं बना के दी, ना मैंने इसको कोई ऐसा थंबनेल बना के दिया है, ये किसी से भी इसने बनाया हो मुझे इन चीज़ों का नहीं पता, जो भी मामला थे उसने अपने आप को क्लियर करने के लिए बोला, और बहुत सारी उसने बातें खोली कि देखें मैं तो जाता भी नहीं हूँ, हाँ मैंने इसकी मोनेटाइजेशन में, जैसे इसका पुराना चैनल उड़ गया था, काफ़ी लोगों के पास उसके एक्सेस थे पुराने चैनल के, तो मैंने वो इनको जो कीज थी मैंने वो कॉन्फ़िगरेशन जो होती है चैनल की वो सेट करके दे दी थी, सेटिंग वगैरह अपडेट करके देती थी, वो कह रहा मैं वीडियो में भी दिखाता था, आम व्यूवर्स को भी अपनी वीडियोस में दिखाता था, मेरा यही कसूर है, बाकी मेरा और कोई कसूर नहीं है कि भाई मैं इसको बोलता हूँ पुश करता हूँ कि भाई आप इसके खिलाफ वीडियो बनाओ। मैं एक बाप को कैसे बोलूँगा तुम अपनी बेटी के खिलाफ वीडियो बनाओ, ये तो बात सही है ना, ये इसकी अंदर की जलन है, अंदर का शैतान है इसका जो इसकी हरकतें करवा रहा है। अच्छा उसके साथ साथ जी लोगों ने फिर डीडी पे इल्ज़ाम लगाए कि डीडी ने भी इसको बोला है, उसकी माँ ने भी बोला है, वला आलम वो भी अपनी बेटियों की कस्में खा रहा है, वो भी कह रहा है कि नहीं यार मैंने ऐसा कोई भी फेल नहीं किया और मैं क्यों बोलूंगा इससे, और रुबीना भी जाहिर सी बात है चली गई अभी इसके पास से, वो भी चली गई अपने नदीम भाई के घर पे, उन्होंने भी देखा कि सारा मलबा मेरे ऊपर ना गिरे, उसको तो खुद अपने ब्लॉग एडिट करने नहीं आती है, वो किसी और से नैना से या शाहरुख वगैरह से या किसी से भी वो करवाती हैं जो भी मामला हैं, उसको भी मोबाइल इसकी तरह पकड़ने नहीं आता, तो वो भी छोड़ के चली गई, अब ये क्या करेगा, अब किसको मुँह दिखाएगा अपना। इसके साथ साथ जी आज मैंने एक अपडेट देखी है कम्युनिटी की, वो थी तायरा सिस्टर की, सुबह में 2-3 घंटे पहले ही उनकी एक कम्युनिटी आई, उसमें उन्होंने कहा कि 3 लोगों को मजीद नोटिसेस जारी हो चुके हैं, उन्होंने नाम मेंशन नहीं किए थे, वो इंशाल्लाह एक आध दिन में वो भी नाम भी अनाउंस कर देंगे, जो भी होगा वो खुद ही आ जाएंगे स्क्रीन पे, जैसे सब लोगों ने बोला है कि हाँ भाई हमें नोटिसेस मौसूल होते हैं और वो आके खुद ही सारी कंफर्मेशन कर देते हैं, वो तो आप समझदार हैं, हमारे व्यूअर्स भी काफ़ी के वो कौन 3 लोग हैं जिनको अभी नोटिसेस जाने थे, तो उन 3 को पहुंच चुका है। साथ ही नीचे उन्होंने एक लाइन में ये भी लिखा कि लगता है कि हाजी भी इस उम्र में जेल जाना चाहते हैं, मुझे भी यही लग रहा है कि ये यमपम के साथ बैठ के चक्की पीसेगा और दोनों फिर आटे की बोरियां वहां पे बना के रखेंगे जेल में, जो इसकी उम्र है जिस तरीके की हरकतें कर रहा है ये भी बेटे के साथ ही जेल काटेगा छोटे वाले के, बड़ा वाला तो आएगा नहीं फिलहाल इनको बचाने के लिए, उसने जो हरकतें की थी वो तो साइड पे हो गया, अपनी बीवी के कहने में आ गया, अब ये छोटे वाले के साथ ही जेल में चक्की पीसेगा जो उसकी हरकतें हैं। और ये तायरा सिस्टर है ये बात याद रखना, ये मैं तुम्हें अपनी तरफ से एक मैसेज दे रहा हूँ, अब अगर तुमने ऐसी नाजेबा अल्फाज अख्तियार किए अपनी सगी बेटी के लिए चाहे किसी की बेटी के लिए भी, तो ये याद रखना ये 1 मिनट भी नहीं लगाती है नोटिस भेजने में, अगर तुम इस उम्र में तुम FIA ऑफिस आए तो तुम्हें उठाने बिठाने वाला भी वहाँ कोई नहीं होगा, बड़ी मुसीबत में आ जाओगे। तो खुदा का वास्ता है हम फिर आपको आपकी एज की खातिर एक बात बोलेंगे कि बड़े हो बड़े बन के दिखाओ, बड़ी सोच के मालिक बनो और बड़ी बातें करो, इज्जत दो तो इज्जत मिलेगी, ठीक है। ये मेरा छोटा सा एक मैसेज है आपके लिए आजी साहब,
और इंशाल्लाह ताला हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके दिमाग में से ये सारी खसलतें, गंदी आदतें, गंदी चीज़ें निकालेगा और आप अच्छी अच्छी बातें करेंगे दोबारा से, वही बड़ों वाली बातें करेंगे जो बड़ों की बातें होती हैं, शफकत भरी। तो हम ये दुआ ही कर सकते हैं व्यूअर्स, और कुछ नहीं कर सकते। तो ये कुछ आज की चीज़ें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाते जाते आज जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन सबसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर कर दीजिएगा। जिंदगी बखैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।